मैं जिस सीट पर बैठा हूं वो है मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम के वीआईपी सीट्स। पहला मैच हो चुका है, बाकी चार मैच यहां पर होने हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा? और मुल्लांपुर की अगर बात की जाए तो काफी चर्चा में यह स्टेडियम हमेशा से रहा है, और जब क्राउड आया यहां पर देखने तो वाकई एक अलग नजारा था। अब इस स्टेडियम में आगे नया क्या, क्योंकि न्यूज 18 ने आपको सबसे पहले बताया कि यहां पर क्या हो रहा है, कब स्टेडियम तैयार हुआ, क्या नया होने वाला है, अब आखिर आगे नया क्या, और पहले मैच के बाद किस तरह का फीलिंग्स है, क्या एक्सपीरियंस है, और आगे क्राउड फ्रेंडली जो मैचेस की बात हम करते हैं या गाइडलाइंस की बात करते हैं उसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो क्या हैं। हमारे साथ पीसी के ऑनररी सेक्रेटरी हैं दिलशेर खन्ना। दिलशेर जी, मैंने और आपने मुझे लगता है यहां इस ग्राउंड में और मुल्लांपुर के बारे में काफी बातचीत की। जब हम बात करते हैं तो हमेशा ना नीचे मैसेज आते हैं दर्शकों के कि रूफ कब लगेगा, रूफ कब लगेगा। वो पहला सवाल मैं आज यहीं से शुरू कर रहा हूं। तो इस आईपीएल के बाद ही वो रूफ भी लग जाएगी जो हमारी ऊपर लगनी है, टॉप टेयर के ऊपर, तो कैनोपी कहते हैं जिसे हम, तो वो इस आईपीएल के बाद लग जाएगी। तो देखिए, मैंने पहला सवाल इसलिए लिया कि अब आईपीएल के बाद यहां पर कैनोपी लग जाएगी तो आप धूप में बचेंगे। अब सवाल आता है कि पहला मैच हुआ, आप लोगों के लिए भी कहते हैं ना कि जैसे टीम में जब नया प्लेयर होता है पहला मैच खेलने जाता है, बेशक आपने इतने मैचेस करा लिए, आप सचिव हो, कैसा एक्सपीरियंस लगा? देखिए, जब हमने यहाँ इंटरव्यू की थी, मेरे ख्याल जनवरी में करी थी आपने और मैंने या दिसंबर में, तो तब भी आपने देखा होगा कि कुछ कमियां थी, बट उसके बाद भी हमने प्रयास करके सारी कमियां दूर की और पहला मैच यहाँ आईपीएल का कराया। तो सबसे पहले तो बीसीसीआई की हम थैंक्स करते हैं, मिस्टर जेशा की, जो ऑनरी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, कि उन्होंने हम पे भरोसा रखा, मैच दिया और हमने एक सक्सेसफुल मैच कंडक्ट किया और किंग्स इलेवन उस दिन जीत भी गई। तो अब आज पर कल रात को किंग्स इलेवन का दूसरा मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, सॉरी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैच होगा और नाइट मैच है, तो नई चीज ये है कि कल यहाँ एक लेजर शो भी होगा। अच्छा। तो क्योंकि रात का मैच है तो दिखा पाएंगे, उस दिन हम दिखा नहीं पाए थे क्योंकि दिन का मैच था। अच्छा, उस दिन दिलशेर जी एक बात हमने और देखी कि क्राउड पूरा जोश में था, नया स्टेडियम आरा के अंदर बैठा और फुल है ना, हाउस फुल था और डे मैच था। अब आगे चारों मैच है वो नाइट मैच है, और मैं देख रहा था मीडिया बॉक्स में बैठे हुए कि वाकई एक अलग फील है। आज भी मैं यहां बैठा हूं क्योंकि यहां पर वो वीआईपी लोग बैठे हुए थे उस दिन पहले मैच में, चाहे जय शाह हो, रोजर बिन्नी हो और स्टार्स थे। क्राउड को लेकर कुछ बातें भी आई थी क्योंकि किंग्स इलेवन का मैनेजमेंट होता है, क्योंकि आईपीएल है, फ्रेंचाइजी है, तो क्या आपको लगा उनमें कुछ बात आपकी हुई होगी, क्योंकि आपने तो ग्राउंड प्रोवाइड कराना है। ये देखिए, किंग्स इलेवन स्टेडियम जरूर रन करता है, बट उनके लिए भी यहाँ पहला मैच था, क्राउड को भी इस ग्राउंड के साथ फेमिलियरिटी नहीं थी, सबके लिए एक पहला एक्सपीरियंस था। तो जो जो हमने उस दिन चीजें सीखी हैं वो किंग्स, पीसीए, पुलिस, जो हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी है, सबने बैठ के मीटिंग्स करी हैं और इस मैच में वो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। वो ऐसी कोई बड़ी दिक्कतें भी नहीं थी, बट ये था कि हम हर मैच के बाद एक प्रयास करते हैं कि हम जो स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस है वो बेटर कैसे कर सकते हैं, तो इस मैच में आपको दिखेगा। बिल्कुल, मैंने जैसे कहा ना कि जब दुनिया आई तो आसपास खेत हैं क्योंकि, और पार्किंग भी आपने जो लैंड ली हुई थी, लोगों को फीडबैक आप हमेशा लेते हो, मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे पीसी की टीम है, सब कुछ है, वो फीडबैक क्या है? फीडबैक ये आया था जी कि आई थिंक मार्किंग्स में लोगों को प्रॉब्लम आई थी देखने में कि कहाँ पार्किंग है, कुछ रास्ते जो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ते तीन टाइप के अलग हैं, तो कौन से गेट के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए। जो स्टेडियम के सामने वाला ब्रिज है वो भी सिर्फ वन साइड कम्प्लीट है, तो उसकी वजह से पुलिस ने इस बारी क्लियर मार्किंग्स करी और चंडीगढ़ के कुछ अहम हिस्सों से और मोहाली के अहम हिस्सों में हमने वो साइन बोर्ड लगाए हैं कि कौन सी पार्किंग कहाँ पे जाएगी। फिर किंग्स इलेवन के साथ हमने मिलके जो पार्किंग के वैलेज होते हैं वो भी बढ़ाए हैं, तो और जो टर्नस्टाइल में लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई थी पिछली बारी तो वो सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हुआ है, तो काफी चीजें जो हमने सीखी हैं वो इस मैच में बेटर होंगी। क्योंकि किंग्स की तरफ से शटल्स भी चलाई गई थी शायद, तो अब वो और ज्यादा शटल्स की जरूरत है ताकि लोग कम से कम एक पर्टिकुलर एक जगह बस में बैठे हो 10-15-20 लोग जो भी हैं, तो वो इजी रहेगा मुझे लगता है। जी ऑफकोर्स, शटल की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, एक दो पार्किंग जो हमने नई ऐड करी है, पार्किंग की कैपेसिटी बढ़ाई है, ऑलमोस्ट 42 एकड़ पार्किंग के नीचे है, तो जितना बड़ा ये स्टेडियम का कॉम्प्लेक्स है उतनी ही पार्किंग है, 42 एकड़। ये एक नई चीज ऐड है कि 42 एकड़ की अब पार्किंग है, और दिलशेर जी कहते ना कि मोहाली की आदत पड़ी हुई है लोगों को, अब वो आदत मुल्लांपुर की पड़ेगी, और रोड काफी अच्छा बना है और रात को स्टेडियम बहुत अलग लग सकता है। लेकिन आपने जिस हिसाब से कहा कि 42 एकड़, मुझे लगता है आने वाले टाइम में चाहे इंटरनेशनल मैचेस हो, अभी आईपीएल हो, तो ये बहुत बड़ा अच्छा लोगों के लिए रहेगा कि पार्किंग की जगह से नहीं जूझना पड़ेगा।
जी मोहाली में पार्किंग की दिक्कत आती थी बिकॉज वो शहर के अंदर है, तो इस फैसिलिटी का बाहर होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होना चाहिए कि पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो वो हमने इनकॉर्पोरेट करी है। अच्छा, प्लेयर से आपकी बात हुई होगी, जैसे चलते फिरते क्या रहा कि इतने बड़े प्लेयर्स आए और नए स्टेडियम में? तो आपने हमारा ड्रेसिंग रूम तो देखा ही है, बिल्कुल। प्लेयर्स का ये है कि वो ड्रेसिंग रूम और ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं, तो वो तो बेस्ट है हमारा। तो स्टेडियम भी शानदार है बट ड्रेसिंग रूम हमारा बहुत अच्छा है, तो प्लेयर तो बहुत खुश हुए देख के पीसीए ने क्या बनाया। अच्छा, एक चीज मैं और अपने विजय से कहूंगा कि सामने जो बेल है ये नई शुरुआत थी यहाँ पे, हालांकि वो फोटोग्राफ्स हमने दिखाई थी, वो जरूर दिखा दीजिए। दिलशीर जी, आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि हमने लॉर्ड्स में देखा स्टेडियम में है, तो उस दिन यहाँ पे बेल बजी और मैच का नए स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। देखिए, लॉर्ड्स की बेल तो सबने देखी है, ये आइडिया टू बी ऑनेस्ट ये हमारे पास हरभजन सिंह जी का आइडिया था। अच्छा, तो उन्होंने हमें ये आइडिया बताया तो हम सबको बहुत अच्छा लगा, तो हमने ये बेल इनकॉर्पोरेट करी। उस दिन जब ये स्टेडियम इनॉग्रेट हुआ था तो जयशाह जी ने यही बेल बजाई थी और उसके साथ एक नई हिस्ट्री शुरू हुई पंजाब क्रिकेट की। जी बिल्कुल, नया स्टेडियम आ गया कंट्री के मैप पे। बिल्कुल, हरभजन सिंह ने आइडिया दिया था कि ये होना चाहिए, मतलब उन्होंने कहा था कि ये बहुत शानदार बेल है लॉर्ड्स में भी, तो उस तरह का हमें कुछ करना चाहिए, तो हमने ये इनकॉर्पोरेट करी है। बिल्कुल, और देखिए बैठ के अगर इस ग्राउंड की बात की जाए, दिलशेर जी बींग ए सेक्रेटरी है ना, आपको तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेडियम चलाना है, क्रिकेट चलानी है पंजाब की, आप क्रिकेटर भी रहे हैं, आपने क्रिकेट भी खेला है, एज ए स्पेक्टेटर कैसा आपको लगा जब आप आएंगे? मैं सेक्रेटरी की पोस्ट मैं कह दूं कि हटा के दिलशेर खन्ना एज ए स्पेक्टेटर, एज ए क्रिकेटर। देखिए, पिछले मैच में तो मुझे मैच देखना मिला नहीं क्योंकि हम काम कर रहे थे, घूम रहे थे। इस मैच में थोड़ा सा संभव है कि कुछ टाइम मिलेगा, तो इस बार ही देख के बताऊंगा आपको अगली बार कैसा लगा। अच्छा, और फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो अरेंजमेंट्स की आपने बात की कि न्यूज 18 पंजाब के जरिए, न्यूज 18 के जरिए, कि क्या उनको करना चाहिए? फैंस को मेरा सिर्फ ये होगा कि पीसीए के सोशल मीडिया पे, किंग्स 11 के सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर में एक रूट मैप आएगा कि आपको स्टेडियम पे कैसे पहुंचना है, आपका अगर ये गेट है तो कौन सी पार्किंग पे जाना है। हर मैच से पहले? जी, हर मैच से पहले आएगा, और अब जो फाइनल हो गया वो चारों मैचों के लिए होगा, तो हमें सिर्फ ये होगा कि आप उसे देखें ताकि आपको यहाँ पहुंचने में इनकन्वीनियंस ना हो, और हमारे अशर्स भी होंगे स्टेडियम के अंदर जो आपको सही गेट पे, सही टर्नस्टाइल पे आपको गाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिलशेर जी, थैंक यू, और उम्मीद है कि आप मैच एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, आपके साथ बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल एक अलग फील है, हमने आपको बेल का भी जिक्र किया, दर्शकों के लिए पार्किंग है 42 एकड़ हो गई है और मैप आएगा प्रॉपर, अब उसको फॉलो कीजिए। और जैसे जैसे यहाँ पे मैच होते जाएंगे ना, मुझे लगता है फैंस भी फैमिलियर होते जाएंगे, क्योंकि नया स्टेडियम है, नई जगह है, और पहले मैच से बेटर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और रूफ की जो बात की, तो एक और नई खबर आपको सबसे पहले हम दे दें कि अब आईपीएल के बाद आपको यहाँ पर रूफ मिल जाएगा, जो बार बार दर्शक हमसे पूछते थे। आईपीएल का एंजॉय कीजिए, मैचों का आनंद लीजिए इस नए स्टेडियम में, और एक बार मैं विजय कहूंगा जरा एक बार दिखा दीजिए, बेशक थोड़ा सा हमें लगेगा, और वाकई इस ग्राउंड का नजारा अलग ही है। नया स्टेडियम, नई क्रिकेट, प्लेयर्स के लिए भी, चाहे वो पीसीए ऑफिशियल्स हो, पुलिस हो, फैंस हो, सबके लिए एक अलग नजारा स्टेडियम का यहां आपको देखने को मिलेगा। आपने जब भी आना है, रूट मैप जो आएगा और शटल्स भी चलेंगी, नई नई चीजें होती रहेंगी, फिर से बता रहा हूं जाते जाते कि आईपीएल के बाद अब यहां पर आपको रूफ यानी कि जो चेयर्स हैं उनके ऊपर कैनोपी आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए न्यूज 18 के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ, उमेश शर्मा, न्यूज 18, मुल्लापुर स्टेडियम।